Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों मैं आपके सामने आज अपना दूसरा लेक्चर जो कि कोर्स फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का दूसरा लेक्चर है जिसका टॉपिक है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी उसके बारे में आज हमारा ये सत्र है और इसमें हम लोग चर्चाएं करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान के जो मेथड्स हैं यानी उसकी जो पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं जो विधियाँ इस्तेमाल होती हैं मनोवैज्ञानिक शोध में और मनोवैज्ञानिक जो भी थियोरीज़ हैं नॉलेज है उसको बनाने में उसको संगठित करने में जिस विधि का जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं प्रयोग करते हैं और उनमें किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं किस तरीके से हम अपने शोध को साइंटिफिक बनाए रखने में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उन सभी पे आज हम इसने अपने इस सत्र में चर्चा करेंगे तो आज का ये सत्र है हम इसको अब शुरू करते हैं आगे के लिए मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधि का उपयोग अगर हम इस पर बात करें तो जैसा कि अपने पिछले सत्र में हमने इस पर चर्चा की कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है तो मनोविज्ञान की परिभाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका कंपोनेंट है वो है साइंटिफिक स्टेटस यानी कि मनोविज्ञान में जो भी शोध हम करते हैं उसका एक साइंटिफिक स्टेटस है और हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं इसीलिए मनोविज्ञान को हम एक प्रकार का विज्ञान भी कहते हैं तो इस वजह से वैज्ञानिक विधि का जो उपयोग है उसके क्या क्या गुण हैं और क्यों हमें वैज्ञानिक विधि से द्वारा जो भी हमने सूचना इकट्ठी की है या एकत्रित की है क्यों हम उस पर विश्वास कर सकते हैं और उसके क्या क्या गुण हैं इस पर हम एक चर्चा करते हैं अभी सबसे महत्वपूर्ण जो विज्ञान का पहला आप कह सकते हैं गुण है वो है विज्ञान में डिटर्मिनिज्म और नियतवाद जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म से हमारा आशा यहाँ पर यह है कि जब भी हम कभी भी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसी प्रक्रिया की बात करते हैं और जब हम उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हम हमेशा ये मानते हैं कि उसका कोई ना कोई कारण होगा कोई ना कोई उसका एक निहित उसका एक ऐसा वजह रहा होगा जिसकी वजह से वो घटना हुई होगी तो ऐसे में हमारे पास वैज्ञानिक होने के नाते या वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल या उपयोग करने के नाते हमारे पास ये विकल्प होता है कि जब ऐसी कोई घटना हुई है जिसका कोई कारण रहा है तो उस कारण को हम निर्धारित कर सकते हैं यानी डिटरमाइन कर सकते हैं तो जब कारण निर्धारित करते हैं हम तो वहीं पर हमारा वैज्ञानिक शोध प्रारंभ होता है तो ऐसे में विज्ञान का ये मानना कि जो भी हो रहा है जो भी घटना या किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया यदि हो रही है तो उसका एक मूलभूत कारण है तो कारण को को पकड़ना या कारण को समझना या कारण को पहचानना ही विज्ञान का प्रथम उद्देश्य है तो इसलिए डिटर्मिनिज्म जो एक क्वालिटी है वो विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटीज में से एक है दूसरा जो विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक और गुण है वो है विज्ञान में हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं यानी सुनियोजित प्रेक्षण की हम बात करते हैं और केयरफुल ऑब्जर्वेशन या सुनियोजित प्रेक्षण से हमारा तात्पर्य ये होता है कि हम विज्ञान में जो भी हम नॉलेज या जो भी हम सूचना इकट्ठी करते हैं या जो भी उसके आधार पर हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से ऑब्जर्व की हुई प्रक्रिया को या जब हम उसका पूर्ण रूप से उसको ध्यानपूर्वक बिना किसी बायस के बिना किसी पूर्वाग्रह के जब हम उसको उसी तरह से जिस तरीके से वो जिस प्रकार से वो घटित हो रही है उसका केयरफुली जब ध्यानपूर्वक हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तब वो विज्ञान के दृष्टिकोण में आता है या वैज्ञानिक विधि के द्वारा कहा जाता है कि तब हमने वैज्ञानिक विधि का पालन किया है और ऐसे में उब, केयरफुल ऑब्जर्वेशन विज्ञान का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण गुण है इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण विज्ञान का जो गुण है वो है ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठ था अब विज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी का जो महत्व है उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे और चूंकि मनोविज्ञान में इसका एक महत्व इसलिए भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि मनोविज्ञान में हमारे जो शोध हैं उन शोध के हम जो भी हमारे प्रतिभागी होते हैं वो सभी ज़्यादातर हम हमारे जो प्रतिभा प्रतिभागी हैं वो मनुष्य हैं यानी ह्यूमन बींग्स हैं और साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से मनुष्य ही हैं तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो अपने आप में एक तो बहुत सारे उसमें सब्जेक्टिव बायसेस और एरर्स की संभावना लाता है और साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंटर है और साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट है जो प्रतिभागी है जो हमारे शोध में भाग ले रहा है जो वैज्ञानिक अध्ययन में भाग ले रहा है उसके साथ भी दोनों की अपनी अपनी कुछ फीलिंग्स हैं कुछ थॉट्स हैं कुछ उनके अपने बायसेस हैं कुछ ओपिनियंस हैं कुछ उनकी अपनी पसंद नापसंद होती है और उनकी कुछ चॉइसेस होती हैं तो उन सभी का कहीं ना कहीं हमारे शोध में या हमारी स्टडी में उसका एक हम कह सकते हैं कि उसका एक उसका अंश आ जाता है या उसका कहीं ना कहीं उसका कुछ प्रभाव हमारे शोध पर भी पड़ता है जिसको कि हम अंततः एरर के रूप में देखते हैं या समझते हैं तो ऐसे में ऐसे में हमें वैज्ञानिक विधि के अंदर वस्तुनिष्ठता का पालन करना या उसको बनाए रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका घटक बन जाता है इसी कारण से वैज्ञानिक विधि में जो वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी हम मेंटेन करते हैं वो उसके एक बहुत महत्वपूर्ण गुण की तरह उसको देखा गया है इसको इसको समझने का एक और नज़रिया ये भी है कि जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं जहाँ पर कि हम कोई ऐसा नॉलेज या कोई ऐसी स्टडी या कोई ऐसी थियोरी बनाने का प्रयास करते हैं जिसको कि दोबारा से दूसरे लोग भी उसको दोबारा से शोध करके या उसका री री उसको कन्फर्म कर सकें और ऐसे में उस स्टडी का रेप्लिकेशन संभव हो क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में जाती है हमारी विज्ञान की कोई भी जो स्टडी होती है या विज्ञान का किसी भी प्रकार का कोई भी जो शोध होता है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है यानी कि वो सभी के लिए स्वतंत्र रूप से वो उपलब्ध होता है और ऐसे में उसकी उपलब्धता जब पब्लिक डोमेन में होती है तो उस कोई भी उसको दोबारा से रीवेरीफाई कर सकता है पढ़ सकता है प्रश्न कर सकता है और ऐसे में ऑब्जेक्टिविटी जो होती है उसको मेंटेन करना बहुत हद तक इजी होता है क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति ने उसमें कुछ अपनी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं या उसके व्यक्तिगत सोच या कहीं उसके जो कुछ बाइसेज हैं अगर उसका उसमें उसको सम्मिलित कर दिया है अपने शोध में तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होने की वजह से उसको एक्सेस कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं उसकी आलोचना कर सकते हैं तो ये एक जो पूरा मैकेनिज़्म है ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने का ये साइंस का सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और गुण है कैरेक्टरिस्टिक है इसके बाद हम आगे बात करते हैं विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन का एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है और वो है विज्ञान में डेटा का महत्व यानी कि विज्ञान में डेटा के महत्व के बारे में बहुत चर्चा की गई है क्योंकि विज्ञान की जो भी नॉलेज हम उसमें या उसके आधार पे जो भी हम थ्योरी बना रहे हैं या प्रतिपादित कर रहे हैं उसके पीछे हमारे पास डेटा का आधार होता है यहाँ डेटा से तात्पर्य ये है कि जितनी भी हम जितना ज़्यादा हम सूचना इकट्ठी कर सकें किसी भी अगर हम मनोवैज्ञानिक थोड़ी देर के लिए हम कहें कि हम मनोवैज्ञानिक एक, एक किसी गुण का शोध कर रहे हैं या किसी व्यवहार का शोध कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा यानी सूचना होगी उतना ही ज़्यादा हम किसी बात को अपनी एक विश्वास के साथ कह पाएंगे या रख पाएंगे तो डेटा का बहुत बड़ा महत्व है वैज्ञानिक विधि में और इसीलिए ज़्यादातर वैज्ञानिक शोध उनको कहा जाता है कि दे आर डेटा ड्रिवन यानी कि वो डेटा से ही चलते हैं और डेटा का उपयोग उसमें निरंतर रूप से और बहुत महत्वपूर्ण माना गया है इसी संदर्भ में एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं कि डेटा ड्रिवन साइंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको पुराने समय में एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट हुए उनका नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन और उन्होंने अपने शोध में डेटा के महत्व को इतना ज़्यादा उन्होंने उभारा कि डेटा जब उन्होंने हर हर प्रक्रिया के बारे में डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया यहां तक कि एक बार तो वो इस लिमिट तक पहुँच गए कि उन्होंने ये कहा कि अगर जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं तो ऐसे लोगों को कम बीमार पड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को कम समस्याएँ आनी चाहिए और ज़्यादा वर्ष तक जीना चाहिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो निरंतर प्रार्थना करते हैं और उनको ज़्यादा लंबी आयु तक जीना चाहिए उनके जीवन में समस्याएं कम होनी चाहिए और इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना को ये जानना चाहा प्रार्थना के बारे में कि जो लोग प्रार्थना करते हैं या प्रेयर करते हैं यानी भगवान की जो अर्चना करते हैं तो उन्होंने जाहिर सी बात है ये स्टडी उन्होंने वो क्रिश्चियन थे तो उन्होंने अपने सेटिंग में अपने रिलीजन में इस सेटिंग को किया तो उन्होंने ये पाया कि जो उस समय उन्होंने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने ये देखा कि जो पादरी हैं चर्च के जो हम ये मान सकते हैं उनके अनुसार कि वो प्रेयर निरंतर करते हैं बार बार करते हैं और लगातार उसमें वो करते रहते हैं ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसे व्यक्ति जो सामान्य रूप से उतना ज़्यादा प्रेयर नहीं करते जिनका ये कहना है कि वो निरंतर या लगातार उतना प्रेयर में इन्वॉल्व नहीं रहते यानी प्रार्थना नहीं करते और साथ ही साथ एक और उन्होंने तीसरे कैटेगरी को भी लिया तीसरे वर्ग को भी लिया जहाँ पर उन्होंने लॉयर्स का यानी जो वकील होते हैं जो बैरिस्टर होते हैं उनको भी अपने ग्रुप में उन्होंने रखा उनका भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और यहाँ पे उनके आश्चर्य के उन्होंने अपने इस शोध में ये दिखाया डेटा के महत्व से कि जो पादरी हैं उनकी जो औसत आयु थी वो छासठ वर्ष के लगभग आसपास थी और जो सामान्य व्यक्ति थे जो कि उनकी आयु लगभग चौंसठ वर्ष के आसपास थी और उसी जगह पे जो लॉयर्स थे यानी जो वकील थे उनकी आयु भी लगभग उनको छाछठ वर्ष ही मिली औसतन तो उसके आधार पे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो प्रार्थना कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी आयु नहीं बढ़ रही है यानी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो ये उन्होंने जो बात कही हालांकि उन्होंने डेटा के आधार पर कही लेकिन इसके साथ साथ उस समय उनको इसका बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा उसकी वजह बहुत जाहिर है कि हम अगर विज्ञान के डेटा के आधार पर हम किसी ऐसी बात को कहें जो लोगों को पसंद ना आए या इस वजह से लोगों का कुछ भावनाएं आहत हों तो वो एक उसकी वजह से भी एक समस्या उत्पन्न होती है हालांकि इस इस पूरी घटना में भी हम ये देख सकते हैं कि डेटा का महत्व तो क्या है और डेटा के आधार पे हम अपनी बात को कितनी मुखरता से रख सकते हैं या उसको प्रस्तुत कर सकते हैं हालांकि बाद में इस पर बहुत इनकी इस शोध पर बहुत सारे आलोचनाएं भी हुई जिसमें एक प्रमुख आलोचना ये भी थी कि आप प्रार्थना का या प्रेयर का जो मतलब आप समझते हैं वो असल में प्रार्थना नहीं है तो इस तरह के भी बहुत तमाम आलोचनाएं होती रहती हैं और इसी से हम अपने आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा में जहां हम ये भी देखेंगे कि विज्ञान जो भी निष्कर्ष निकालता है वो टेंटेटिव होता है यानी कि वो पूर्ण रूप से अंतिम सत्य नहीं है उसमें बदलाव की संभावना हमेशा है तो इस वजह से जो जैसे हमने अभी चर्चा की कि जो कोई भी शोध आपने किया है उसमें हमेशा एक गुंजाइश है कि जिस भी निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं उसमें भविष्य में भी बदलाव किया जा सकता है इसीलिए जो भी कंक्लूजन हम देते हैं या जो भी फाइंडिंग्स हम देते हैं हम हमेशा उसे टेंटेटिवली हम एक्सेप्ट करते हैं यानी कि हमेशा हम इस बात की एक स्पेस या एक जगह छोड़ देते हैं विज्ञान में कि हो सकता है भविष्य में इस निष्कर्ष में कुछ बदलाव संभव हो या आज हमने जो सिद्धांत बनाया है या आज हमने जिस सिद्धांत को प्रूफ किया है या सिद्ध किया है वो कहीं ना कहीं भविष्य में वो पूर्ण रूप से अंतिम सत्य नहीं है और उसमें एक गुंजाइश है एक जगह है कि हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं इसके बाद जो एक और बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन का जो गुण है वो है विज्ञान में हम एम्पेरिकल स्टडीज़ का उपयोग करते हैं यानी कि एम्पेरिकल स्टडीज़ के माध्यम से हम उन प्रश्नों को पूछते हैं विज्ञान में जिनका उत्तर खोजना हमारे लिए संभव है यानी कि जो प्रयोग से जिनको एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे जिन प्रश्नों को हम पता लगा सकते हैं या जिनका उत्तर हम दे सकते हैं ऐसे प्रश्नों को हम विज्ञान में उनके ऊपर शोध करने का प्रयास करते हैं न कि कुछ ऐसे प्रश्न या कुछ ऐसे घटनाएं जिनके बारे में हम कोई वैज्ञानिक अध्ययन ना तो प्लान कर सकते हैं ना ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो ऐसे अध्ययन से ऐसे अध्ययन को विज्ञान में स्थान नहीं मिलता विज्ञान हमेशा उन प्रश्नों पर ध्यान देता है जिनके ऊपर शोध करना संभव हो जिनको खोज पाना जिनका उत्तर जान पाना संभव हो उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो यदि हम ये कहें कि एक व्यक्ति को जो उसका मस्तिष्क है उस पर उसके मन का कितना कंट्रोल है अगर हम इस प्रश्न के साथ वैज्ञानिक विधि के साथ अगर हम इस प्रश्न को खोजने निकलेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होगी वो होगी मन का निर्धारण करना कि मन है क्या और मन को हम किस तरह से उसको हम अपनी स्टडी में रखेंगे और मन के प्रभाव को हम किस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जो बात हम करना चाह रहे हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है कि ऐसी कोई भी शोध या कोई भी ऐसी स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल है या जो नहीं की जा सकती जिसमें कि जो भी प्रश्न हम कर रहे हैं उसको हम शोध में उसको हम प्रतिरूप में नहीं ला सकते उसको हम अपने शोध से बाहर रखते हैं यानी वैज्ञानिक अध्ययन के दायरे से उसको हम बाहर रखते हैं हम हमेशा उन्हीं प्रश्नों पर ध्यान देते हैं जिनको हम शोध के द्वारा उनको सिद्ध कर सकें विज्ञान का एक और जो महत्वपूर्ण गुण है उसकी हम जब बात करते हैं तो उसमें आता है ओपन माइंडेडनेस और ओपन माइंडेडनेस का अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर जो भी पूर्व से हमारे बने हुए सिद्धांत हैं या जिनको हम मानते हैं या जिनको हम फॉलो करते आए हैं या खुद हमने उनको अगर सिद्ध भी किया है तो ऐसे जितने भी सिद्धांत हैं या जो धारणाएं हैं उनके अंदर बदलाव संभव है विज्ञान में और हम इसको बद अपने आप को बदलने के लिए नए जो हमारे अगर एविडेंस मिलता है या प्रूफ मिलता है अगर शोध के द्वारा ये बताया जाता है ये प्रूफ किया जाता है कि इसमें ये बदलाव संभव है या ये सिद्धांत गलत है और दूसरा सिद्धांत सही है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम हमेशा ओपन माइंडेड रहते हैं विज्ञान में इसी से जुड़ा हुआ एक वाक्य है जो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत मदद करेगा एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हुए और उनका नाम था लुई पैस्चर और लुई पैस्चर ने पास्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उनका कहना था और जिसके आधार पे आज पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री उनके उसी पास्चराइजेशन का जो उनका सिद्धांत था उसी के आधार पर आज पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री भी काम कर रही है तो उसमें उन्होंने शुरुआती दौर में जब अपना ये जो खोज उन्होंने की थी उसको जब उन्होंने प्रस्तुत किया रॉयल साइंस एकेडमी के एक सामने एक तो वहाँ पर मौजूद तमाम बड़े साइंटिस्ट और उस समय के बड़े शोधकर्ताओं ने और बड़े साइंटिस्ट ने उनकी खोज को वहां पर खारिज कर दिया और उनकी जो फाइंडिंग्स थी उसको उन्होंने हंसी में उड़ा दिया और इसका कारण उस समय मात्र ये था कि लुई पैस्चर उस समय एक बहुत ही यंग और आप ये कह सकते हैं कि एक हद तक उनका कोई बहुत ज़्यादा उस समय जान पहचान या उस तरह का उनके पास कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व तो नहीं था कि लोग उनको जानते हों और उनकी कहीं हुई इतनी बड़ी बात को वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते तो सभी का उस समय ये मानना था कि इनके पास वो काबिलियत नहीं है कि ये इतना बड़ा शोध करके या इस तरह की कोई फाइंडिंग दे सकते हैं लेकिन समय के साथ उनका वो शोध एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद ये पाया गया कि वैज्ञानिकों को अपने अंदर ये बहुत बड़ा गुण रखना चाहिए या उनके अंदर होना चाहिए जहाँ पर वो ओपन माइंडेड हों जब भी उन्हें किसी भी तरह का कोई बदलाव या किसी भी तरह का सिद्धांत में कोई सुधार अगर उसकी गुंजाइश दिख रही हो अगर उनके पास प्रॉपर एविडेंस है उनके पास उन उसके लिए उपयुक्त उनके पास अगर सबूत हैं यानी एविडेंस हैं साइंटिफिक एविडेंस हैं प्रूफ हैं तो वो उनको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और ये वैज्ञानिक अध्ययन का एक बहुत बड़ा गुण है जो कि बाद के समय में हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने इसको आत्मसात किया और इसके बाद विज्ञान में एक और बहुत महत्वपूर्ण उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्केप्टिसिज्म यानी विज्ञान में हम हमेशा संशय के लिए जगह रखते हैं यानी हम किसी भी बात को यदि हमें बताया जा रहा है तो हम उसको शब्दशः या बिना प्रश्न किए या बिना किसी शंका के कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर हम वैज्ञानिक विधि पे चलते हैं तो हमें अगर कोई भी बात बताई जा रही है कोई भी हमें अगर सिद्धांत बताया जा रहा है या किसी भी तरह की कोई अगर हमें सूचना या नॉलेज दी जा रही है तो हम जरूर उस पर प्रश्न करेंगे उसको एक संशय की दृष्टि से हम ज़रूर देखेंगे ताकि हम ये निर्धारित कर सकें कि यदि इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश है कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं बन रहा जिसका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है या इसके जो प्रूफ दिए जा रहे हैं हमें उस पर कुछ संदेह है तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उस पर एक संशय करना उस पर प्रश्न उठाना और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हों उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करना यानी किसी भी नॉलेज को या किसी भी सिद्धांत को केवल इसलिए स्वीकार न कर लेना क्योंकि वो किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा या उसके जो मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है केवल इस आधार पर हम किसी नॉलेज को या किसी सिद्धांत को मान्यता नहीं देंगे बल्कि विज्ञान में या वैज्ञानिक विधि में हम उसको संशय की दृष्टि से देखते हुए जब पूर्ण रूप से हम ये संतुष्ट हो जाएँ कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है प्रूफ है तभी हम उसको मान्यता दें तभी हम उसको माने इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है विज्ञान का और वो है विज्ञान में एक्यूरेसी की तरफ हमेशा एक एक्यूरेसी पे जोर देना यानी विज्ञान में हम सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो भी हम मेजरमेंट करें या किसी भी तरह का शोध करें हम उसमें टू द एक्सटेंट पॉसिबल जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा हम एक्यूरेट हों एक्यूरेसी की तरफ बढ़ें और उसको उसी मात्रा में उसी संख्या में मापन करें या उसका हम आ, उसको देखें जिस मात्रा में वो उपलब्ध है या जिस मात्रा में वो मौजूद है तो अपने शोध में और ख़ास करके मनोवैज्ञानिक शोध में भी इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोध में जो एक आ, जो एक समस्या है जो कि हम कह सकते हैं वो इनहेरेंट समस्या है मनोविज्ञान विषय की और वो ये है कि मनोवैज्ञानिक जितने भी गुण हैं उनको हम फिज़िकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते उदाहरण के तौर पे इंटेलिजेंस हुआ पर्सनालिटी है एटीट्यूड है इमोशन है मोटिवेशन है तो इस प्रकार के ये जितने भी गुण हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम फिज़िकली इनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें दिखते नहीं हैं और इनकी कोई फ़िजिकल एंटिटी नहीं है तो इस वजह से ऐसे गुणों को या ऐसे एट्रीब्यूट्स को मनोवैज्ञानिक गुणों को जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो वहाँ पर एक्यूरेसी का भी एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है क्योंकि हमें ऐसे मेजर्स बनाने होते हैं इस तरह के हमें मापन हमें अपने लिए मेजरमेंट के स्केल्स या उसके लिए इस तरह के टूल्स डेवलप करने पड़ते हैं तो वैज्ञानिक विधि को अपनाने की वजह से मनोविज्ञान इस बात का या मनोवैज्ञानिक जो शोधार्थी हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने टूल्स को इस प्रकार से डेवलप करें अपने जो मेजरमेंट की जो स्केल्स वो डेवलप करते हैं वो इसको इस प्रकार से डेवलप करें कि उनकी जो उसके आधार पे जो मापन वो कर रहे हैं या जो मेजरमेंट वो कर रहे हैं वो बहुत सटीक हो एक्यूरेट हो तो ये कुछ महत्वपूर्ण तो वैज्ञानिक विधि के गुण हैं जिनको कि हमने अभी अध्ययन किया अब इसके बाद हम बात करेंगे कि विज्ञान तथा एक और जो टर्म है उसको बोलते हैं सूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है और हमें इसको इस अंतर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार अगर आप इस अंतर को स्पष्ट रूप से ना समझ रहे हों तो कई बार हम सूडो साइंस को ट्रू साइंस यानी मेन साइंस समझने की गलती कर बैठते हैं और इसका एक उदाहरण मैं आपको दूँ खास करके मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ, कुछ ऐसे आप अक्सर ऐसे चीज़ों के से आपका सामना पड़ेगा या वो आपके सामने प्रस्तुत होंगी जो आपको दिखाई जाएंगी या बताई जाएंगी इस तरीके से कि वो उनका एक वैज्ञानिक आधार है और वो आपको बहुत सटीक जानकारी दे रही हैं और वो कई बार आपको आपको बहुत प्रभावशाली भी लगेंगे जैसे उदाहरण के तौर पर एक फ्रेनोलॉजी यानी कि जो हमारी मस्तिष्क का जो साइज़ है मस्तिष्क ना कह के उसको कहेंगे हमारा जो कपाल यानी जो हमारा सर है जो हमारा हेड रीजन है उसका जो साइज़ है उसके बेसिस पे बहुत सारे प्रडिक्शन्स करने की बात की गई और इसके अलावा एक और जो सीडो साइंस का एक और जो तरीका है जिसको हम ग्राफोलॉजी भी बोलते हैं जिसमें हम दूसरे के हस्ताक्षर को देख के उसकी लिखावट को देख के उसके लिखने के स्टाइल को उसकी पद्धति को देख के उसके उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं इसी के साथ इसी तरह की साइंस का एक और उदाहरण है वो है फिजियोगनमी तो फिजियोगनी में भी हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर की बनावट जिसमें हो सकता है हमारे हाथ की बनावट या हमारे शरीर की बनावट लंबाई या थोड़ा सा शरीर का तो इस प्रकार के भी हम देखते हैं कि और बहुत सारे इस तरह की और बहुत सारी साइंस जो हैं वो प्रचलन में रहती हैं और इसको समझना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों ये ट्रू साइंस से अलग है क्योंकि साइंस कि हम कह सकते हैं कि चार बहुत महत्वपूर्ण जो गुण हैं विज्ञान के वो सूडो साइंस में मौजूद नहीं होते और इस वजह से वो जो भी बात करते हैं या जो भी उसकी फाइंडिंग्स होती हैं उनको हम साइंस की मान्यता नहीं दे सकते और इसका पहला कारण है कि सूडो साइंस का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता यानी कि सूडो साइंस चाहे कितना भी क्लेम करे बट वो ट्रू साइंस से उसका कोई लिंक कोई संबंध नहीं होता और इसका उदाहरण मैं आपको इस तरह से देता हूं कि आपने ये अक्सर अगर कभी आपका इस बारे से इसमें पाला पड़ेगा या इस पर कभी कोई सूचना मिलेगी या मोबाइल्स में आजकल या न्यूज़पेपर में भी कभी कभी इस तरह के आर्टिकल्स आ जाते हैं कि या मैगजीन्स में अक्सर इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं कि आपके हस्ताक्षर की जो लिखावट है या उसका स्टाइल है उसके आधार पर यह बताया जा सकता है या विशेषज्ञ एनालाइज़ करके आपको ये बता देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है आप कैसा व्यवहार करेंगे आप कैसा सोचते हैं आपकी भावनाएं क्या हैं आप किस तरह के व्यक्ति हैं तो इस तरह का एक आपको उसमें एक ऐसा प्रेजेंट किया जाएगा कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है जैसा कि ग्राफोलॉजी में यानी कि जो लिखने का जो पद्धति है जो राइटिंग स्टाइल है उसके एनालिसिस से हम ये बता देंगे कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और असल में जो एक्चुअल जो राइटिंग या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनका केवल कार्य ये होता है कि वो एक हैंड राइटिंग को देख करके दूसरी हैंड राइटिंग से मिलाने के बाद वो केवल ये बता पाते हैं कि क्या पहली हैंडराइटिंग दूसरी हैंडराइटिंग से मैच करती है या नहीं करती है और इसके अलावा वो इसमें और किसी भी तरह का कोई प्रडिक्शन नहीं करते और ना ही वो करने में सक्षम है लेकिन जो ग्राफोलॉजी यानी सूडो साइंस का जो तरीका है वो इसी तरीके को इसी छोटे से आधार को वो जोड़ते हैं अपने आप से और वो इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं इस तरह से बताते हैं जैसे कि वो पूरे वैज्ञानिक आधार पे कोई बात कह रहे हों तो इसी के साथ जो दूसरा बहुत बड़ा जो सूडो साइंस की जो कमी हम कह सकते हैं या जो उसकी खामी है वो है कि साइंस में एनेक्टोटल प्रमाण यानी कि किविदंतियों का और कहा कह, कहीं सुनी बातों का बहुत योगदान होता है और उसका प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल होता है जैसा कि अगर हम फ्रेनोलॉजी की बात करें तो उसमें कई बार ये होता है कि आप ये पाएंगे कि वो ये दिखाते हैं या ये कहते हैं कि हमारे इस शोध से या इसमें इन इन लोगों ने भाग लिया और हमने उनके बारे में उनके व्यक्तित्व के बारे में उनकी पर्सनैलिटी के बारे में उनके इमोशंस के बारे में उनके सोच के बारे में हमने उनको ये बताया और इस कारण से उनको ये लाभ हुआ और इस कारण से उन्होंने अपने बारे में ये जाना और इस कारण से जिन्होंने भी हमारे इस विधि को माना या अपनाया उनको ये लाभ हुए तो इस तरह के वो कई बार प्रयास करते हैं कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू या ऐसे लोगों के बयान यानी उनकी स्टेटमेंट्स को भी अपने पास रखते हैं या उसको प्रेजेंट करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारे पास ये प्रमाण है और तमाम लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और पाया है कि हम जो विधि अपना रहे हैं या जो तरीका हमारा है वो एक्सेप्टेबल है और वो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत ही मज़बूत आधार है लेकिन यहाँ पर वो जो सबसे बड़ी जो कमी होती है जिसको वो छुपाना चाहते हैं या जिसको वो नहीं बताते वो ये है कि इस प्रकार की जो भी पद्धति है उसमें वो उन बातों को तो रखते हैं जो उनके पक्ष में है लेकिन वो उन बातों को प्रदर्शित नहीं करते या उन पर वो ध्यान नहीं देते जो उनके कथन को या उनके कार्यशैली को या उनकी फाइंडिंग्स को चुनौती देता हो तो ऐसे किसी भी प्रमाण को वो अपने स्टडी में या अपने फाइंडिंग्स में इंक्लूड नहीं करते या प्रेजेंट नहीं करते वो केवल उन्हीं बातों को बताते हैं या दर्शाते हैं जिससे उनको उनको प्रमाण मिलता हो या उनकी जो उनकी बात है वो सिद्ध होती हो तो ऐसे में ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी कमी है क्योंकि उनकी जो जो फाइंडिंग्स हम कह लें या उनकी जो जो भी उनकी उनकी पद्धति है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती और वो उसका उस नॉलेज का पब्लिक में कोई अवेलेबिलिटी किसी भी प्रकार से नहीं होता और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कि हम अपने चौथे पॉइंट में भी उसकी चर्चा करेंगे तो सूडो साइंस में जो तीसरा एक जो बहुत बड़ी खामी है वो ये है कि इसमें जटिल अवधारणाओं को बहुत ही अति सरल करके बताया जाने का प्रयास किया जाता है जैसे कि ये मनोविज्ञान में ये माना गया है और ये अभी तक के शोधों से यही दर्शाया गया है कि पर्सनैलिटी या इमोशन या इंटेलिजेंस इस तरह के जो हमारे गुण हैं जो मानवीय गुण हैं वो बहुत ही जटिल हैं यानी कि उन वो कोई बहुत ही सामान्य प्रक्रियाएं नहीं हैं उनको समझने के लिए हमें तमाम सिद्धांतों का उपयोग करना पड़ता है तमाम परिप्रेक्ष्यों के तहत उसको हमें देखना होता है उसको समझने का प्रयास करना पड़ता है तो इतनी जटिल समस्याओं को हम उसे समस्या न कह के ये कहें कि इतनी जटिल प्रक्रियाओं को हमें समझना इतना आसान नहीं है और उसके लिए शोधकर्ता एक बहुत लंबे समय से उस पर शोध कर रहे हैं और आगे भी उस पर शोध कार्य जारी है लेकिन ऐसे में सूडो साइंस उभरता है और वो ये कहता है कि हम इन प्रक्रियाओं को मात्र आपका सर का साइज नाप के बता देंगे या आपके हैंडराइटिंग के लिखावट के तरीके से हम उसको बता देंगे या आपकी शारीरिक बनावट के आधार पे हम आपको ये बता देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आपके आप कैसा व्यवहार करेंगे या आप कितने इंटेलिजेंट होंगे तो इस तरह की जो ये बात है ये पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि ये इतनी जटिल जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के उनका अति सरलीकरण करना और उनको इस तरह से प्रस्तुत करना जैसे उनको समझना बाएं हाथ का खेल हो हालांकि हमें यहाँ पर यह भी समझना होगा कि कई बार चूँकि सूडो साइंस और इस तरह की जो पद्धति पर जो लोग चलते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं उनकी लोकप्रियता बड़ी अधिक होती है कई बार और उनकी पब्लिक में एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है जिसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि लोगों को एक ऐसा तरीका मिलता है जिससे वो किसी जटिल प्रक्रिया को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं और उन्हें लगता है कि इससे उन्हें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होगी और उनके अपने जीवन में तमाम तरह की जो उनके भावनाएं विचार जो उनको कई बार परेशान करते हैं या उनको कौतूहल में डाल देते हैं उसे समझना वाकई में उतना मुश्किल नहीं है बड़ा आसान है तो ये जो उन्हें एक आसान रास्ता वहाँ पर मिलता है उसके कारण से कई बार लोगों का इसमें विश्वास बड़ा अधिक हो जाता है या वो इसको बड़ा फॉलो करने लगते हैं परंतु इसके बावजूद इस फॉलोइंग के बावजूद या इस एक्सेप्टेंस के बावजूद सूडो साइंस अपनी इस कमी को नहीं छुपा सकता कि वो इन जटिल जटिल प्रक्रियाओं को बहुत ही अति सरल करने का जो प्रयास उसका है या जो उसका हम कह सकते हैं कि जो एक तरीका है वो पूर्ण रूप से गलत है और वैज्ञानिक नहीं है इसके बाद जो चौथा जो सबसे बड़ी सूडो साइंस की कमी है वो है कि इसमें मिथकीकरण का प्रावधान नहीं है यानी कि जो विज्ञान का एक बहुत बड़ा जो एक गुण है फॉल्सिफिकेशन यानी विज्ञान में हम किसी भी शोध को किसी भी नॉलेज को किसी भी थियोरी को विद द टाइम अगर हमें एविडेंस मिलता है तो हम उसको फॉल्सीफाई कर सकते हैं यानी हम ये प्रूफ कर सकते हैं हम ये बता सकते हैं कि ये गलत है मिथ्या है और ये सही नहीं है और इसका ये विकल्प है और ये सही उत्तर है तो इस प्रकार से हम विज्ञान में हमारे पास ये विकल्प होता है परंतु सूडो साइंस में ये विकल्प नहीं होता क्योंकि हमारे पास मिथकीकरण के लिए पर्याप्त डेटा नहीं होता और पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती और अक्सर सूडो साइंस का प्रैक्टिस करने वाले जो लोग होते हैं या जो उनके जो प्रैक्टिशनर हैं वो कभी भी अपनी नॉलेज को या फाइंडिंग्स को उसका एक्सप्लेनेशन कभी पब्लिक में नहीं देते और ना ही वो उसको किसी प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में उसको पब्लिश करते हैं ना ही वो उसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं ताकि उसका एनालिसिस हो सके उसका क्रिटिसिज्म हो सके उसका रीवेरिफिकेशन हो सके तो इस प्रकार से वो इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हैं इस वजह से स्यूडो साइंस अपनी इन तमाम खामियों की वजह से वो कभी भी रियल साइंस यानी ट्रू साइंस जो साइंटिफिक मेथड का जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बराबरी में वो नहीं आ सकते तो ऐसे में मनोविज्ञान के छात्रों को खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी उनका पाला इस तरह की किसी भी आ, ऐसी पद्धति से पढ़े तो वो उसमें प्रश्न जरूर करें और वैज्ञानिक विधि के जितने भी गुण हैं वो उनसे उसको जरूर परखें जिसमें कि वो खास करके ऑब्जेक्टिविटी डेटा का जो जो महत्व है चाहे वो ओपन माइंडेडनेस हो चाहे वो स्केप्टिसिज्म की दृष्टि से उसको देखना हो सूचना को और इस प्रकार से वो अपने वैज्ञानिक जो गुण हैं या जो विज्ञान की जो पद्धति है उसके जो गुण हैं उसके अनुसार ही वो सूचनाओं को उसको प्रोसेस करें और उसको एक्सेप्ट करें इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे वैज्ञानिक विधि तथा व्यवहारिक बुद्धि में जो अंतर है क्योंकि वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो नॉलेज हम गेन करते हैं या जो निष्कर्ष हम निकालते हैं जो कंक्लूजन्स हम निकालते हैं या जिन पर हम पहुँचते हैं वो किस प्रकार से जो कॉमन सेंस नॉलेज या कॉमन सेंस बिलीफ है वो उससे किस प्रकार से अलग है और क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉमन सेंस नॉलेज या जो व्यवहारिक बुद्धि जिसको हम बोलते हैं सामान्य रूप से हमारे रोज़मर्रा में काम आने वाली जो चीज़ें हैं या जो बातें हैं कई बार हम उनको मान बैठते हैं कि यही सही तरीका है जब तक कि इस तरह की बातों को हम वैज्ञानिक विधि के तौर पे उसको उसका तुलना करके या उसका मूल्यांकन करके हम ये निष्कर्ष नहीं निकालते कि उसका एक वैज्ञानिक आधार भी है या उसके अंदर किसी तरह प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तभी हम कह सकेंगे कि जो कॉमन सेंस नॉलेज है वो उसका एक साइंटिफिक बेस है और जब जब हम ये नहीं करते तो कहीं ना कहीं कई बार कॉमन सेंस को हम ज़्यादा महत्व देते हुए जब उसको हम बिना वैज्ञानिक मापदंडों पे उसको परखे हुए जब हम उसको मान लेते हैं तो वो एक प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो जिस त्रुटि से खास करके मनोवैज्ञानिकों को शोधकर्ताओं को इससे बचना चाहिए जिसमें ये तीन प्रकार के प्रमुखतय होते हैं जिसमें पहला है कन्फर्मेशन बायस और कन्फर्मेशन बायस में हम हमेशा अपने विचारों को जो हमारे स्वयं के विचार हैं उनको हमेशा सत्यापित करने का प्रयास करते हैं और इस दिशा में हम उन सभी सूचनाओं को डिस्कार्ड कर देते हैं यानी उनको हम निरस्त कर देते हैं उनको नहीं मानते या उनको हम कई बार तो सुनना भी नहीं चाहते उनको हम अपनी आ, समझ में लाना भी नहीं चाहते जो हमारे विपरीत बोली गई हो, या जो हमारे विचार जो हम पहले से मानते हैं या जो हमारी मान्यताएं हैं उसके जब विरोध में या उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ हमें कोई प्रूफ मिलता है या कोई सूचना मिलती है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और ऐसे में हम केवल उन्हीं सूचनाओं पर ध्यान देते हैं केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं जो ये प्रदर्शित करती हूँ कि जो हम मानते आ रहे हैं या जो हमारे विचार हैं वो सही हैं तो ऐसे में हम जो एक बहुत बेसिक गलती करते हैं वो है कि हम अपने ही विचारों को सही ठहराने के लिए उसी से जुड़े हुए या उसके समर्थन में जो विचार आते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं या उनको हम अपने लिए उनको हम उन उन पर ध्यान देते हैं और जो दूसरी सूचनाएं हैं जो उसके अगेंस्ट हैं या उसको खारिज करती हूँ या उसके उसके अलावा एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाती हूँ हम उन सूचनाओं को निरस्त कर देते हैं तो इस कारण से जो कई बार हमारे कॉमन सेंस बिलीव्स हैं वो इस वजह से कई बार गलत दिशा में चले जाते हैं क्योंकि हम अपने कॉमन सेंस बिलीव्स को इस इस प्रक्रिया से उनको मजबूत बनाते हैं उनको स्ट्रेंदन करते हैं इस वजह से कन्फर्मेशन बायस जो है वो हमारे अंदर जो साइंटिफिक आधार है यानी जो साइंटिफिक हमारी जो एक आ, किसी भी प्रक्रिया को समझने की या उसको सिद्ध करने की जो एक हमारी टेंडेंसी है ये उसके अगेंस्ट कार्य करती है इसके बाद जो दूसरी एक समस्या आती है वो है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक की यानी कि हम सरलता से उपजे हुए कोई भी जो विचार होते हैं या जो भी थॉट्स हमारे अंदर आते हैं या सूचना हमें जो मिलती है बहुत ईजीली हम उस पर ज़्यादा निर्भर करते हैं बकौल की हम उस सूचना की उपलब्धता को और सरलता को ना देखते हुए हम उसको इस केवल इस बात पर उसका मूल्यांकन करें कि उसका आधार क्या है और उसकी सत्यता का प्रमाण क्या है हमको अपनी जो भी हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है हमें उसको इस आधार पर देखना चाहिए कि उसकी प्रमाणिक सत्यता क्या है न कि उसकी उपलब्धता में जो सरलता थी उसके आधार पर अब जैसे इसका एक उदाहरण अगर हम आपको दें तो जो इसको समझने में आपको थोड़ी मदद करेगा कि कई बार हम क्या करते हैं कि सभी के अंदर ये एक मान्यता होती है एक विचार होता है कि एरोप्लेन हवाई जहाज की यात्रा बड़ी डेंजरस होती है यानी कि बड़ी खतरनाक होती है जबकि उसका कारण मुख्य ये है कि हम ऐसी चीज़ों को इसलिए खतरनाक मानते हैं क्योंकि जब कभी भी यदाकदा जब भी एरोप्लेन क्रैश होता है या इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो वो एक बहुत ही लार्ज स्केल पे उसका पब्लिकेशन होता है उसका प्रचार होता है और वो न्यूज़ में हर जगह आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से आप न्यूज़ की स्पेस को भर देता है और हमारे पास उस सूचना को इतना ड्रामेटिकली प्रेजेंट किया जाता है इतने इमोशंस के साथ प्रेजेंट किया जाता है कि हम हमारे लिए वो सूचना हमारे मनसपटल पे एक बहुत गहरी छाप छोड़ देती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने वाली घटना है और इस कारण से एरोप्लेन क्रैश या एरोप्लेन का जो सफ़र है वो बहुत ही आ, मतलब खतरनाक है जबकि अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो हम अगर रोड पर चलते हैं और कोई भी अगर हम गाड़ी का उपयोग करते हैं अगर हम दो मिनट के लिए कहें कि हम दो पहिए का उपयोग करते हैं तो दो पहिए के उपयोग में आप ये पाएंगे कि ये गवर्नमेंट का डेटा है और इससे ये साबित होता है कि हमारे देश में रोज़ाना सैकड़ों टू व्हीलर एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें कई लोगों की जान जाती है लेकिन फिर भी लोग टू व्हीलर के चलने को या टू व्हीलर चलाने को खतरनाक नहीं मानते और वो ये मानते हैं कि एरोप्लेन क्रैश ज़्यादा या एरोप्लेन का सफर ज़्यादा खतरनाक होता है तो ये आप यहाँ पर देखिए कि जो ऐसी जो हमारे पास सूचना थी जो आसानी से उपलब्ध हुई एक ड्रामेटिक वे में उपलब्ध हुई जिसकी जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो वो हमारे मस्तिष्क में महज में हमारे जहन में आसानी से आ जाती है तो ऐसे में हम उस सूचना को मान लेते हैं कि वही सही है या उसके आधार पर जो निष्कर्ष हमने निकाला है वही सही है जबकि ऐसा नहीं होता इसके बाद जो तीसरा एक और महत्वपूर्ण जो अंतर है जो हमें कॉमन सेंस और जो वैज्ञानिक विधि द्वारा जो प्राप्त जो नॉलेज है उससे उसको अलग करता है वो है रैशनल वर्सेस इंट्यूटिव थॉट यानी कि तर्कपूर्णता बनाम अंतर्ज्ञान का जो भाव हमारे अंदर होता है जिसमें हम ये मानते हैं कि जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम जानते हैं वो सही जानते हैं वो सही सोचते हैं जबकि हम तार्किकता को वहाँ पर वहाँ उस पर हम बात नहीं करते जैसे कि बहुत सारे हमें इस तरह के इस तरह के कई बार हमारे सामने ऐसे उदाहरण आते हैं जब हम ये देखते हैं कि हम जो गट लेवल जिसकी बात करते हैं कि हमारे अंदर से जो भाव आया या अंदर से जो विचार आया हम उसको सही मान लेते हैं या हम मानते हैं कि वही सही है तो इस प्रकार का जो एक फीलिंग हमें आती है जो गट लेवल से हमें लगता है कि हमने बस जो हमें तत्कालिक जो हमें समझ आया वही सही है तो ये कई बार हमें गलत दिशा में ले जाता है क्योंकि हमने इसको परखा नहीं रेशनल इसको लॉजिक के साथ हमने इसको बिना परखे इसको हमने मान लिया तो इस प्रकार से हम कई बार हम जैसे ये अगर इसको हम दूसरे तरीके से कहें कि हमने किसी व्यक्ति हम किसी व्यक्ति से मिले और उसके बाद हमारे अंदर ये थॉट आया कि पता नहीं क्यों मुझे इस आदमी पर विश्वास नहीं हो रहा है तो अब इसका अगर हम कहें तो इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है हमारे पास इसका कोई रैशनल लॉजिक नहीं है क्योंकि अगर ये बात सत्य है तो बिना किसी आधार के बिना किसी जो उसके उससे जुड़ी हुई सूचनाएं हैं उसके बिना अगर हम ये अपने अंदर से ये अगर ये निष्कर्ष निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं और मनोवैज्ञानिकों को हमेशा इस तरह के निष्कर्षों से बचना चाहिए तो इस प्रकार के जो ये तीनों जो कह सकते हैं कि सामान्य हमारे आ, महज में या हमारे सामान्य रूप से हमारे अंदर जो आने वाले जो ये विचार हैं जो कन्फर्मेशन बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है या फिर चाहे इंटिटिव थाट है इस तरह के थॉट्स को हम साइंटिफिकली इसको साइंट इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता इसीलिए हमें इसको मानने से पहले या इसको अपनाने से पहले एक बार पुनर्विचार ज़रूर करना चाहिए इसके बाद हम बात करेंगे मनोविज्ञान की शोध विधियों के बारे में मनोविज्ञान में प्रमुख रूप से पांच प्रकार की शोध विधियां हैं जिसमें से कि प्रथम है ऑब्जर्वेशन विधि यानी प्रेक्षण विधि और इस विधि में मनोवैज्ञानिक जो अपना जो भी उनका विषय वस्तु है या जिस भी प्रक्रिया के बारे में वो अध्ययन करना चाहते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको वो उसका केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं साथ ही साथ इसमें दो तरह का इसमें ऑब्जर्वेशन की पद्धति देखी गई है एक होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और एक होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में या सिंपल ऑब्जर्वेशन में हम व्यक्ति को उसको हम क्रमबद्ध तरीके से एक सुनियोजित तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं जिसमें वो व्यक्ति देखता है कि उसको उस बारे में ज्ञान होता है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है और ऐसे में वो थोड़ा सा उसके अंदर क्योंकि यही इस पद्धति का एक कह सकते हैं आलोचना भी है कि जब हम ऐसी किसी सेटिंग में किसी व्यक्ति को रखते हैं कि उसको हम ये कहते हैं कि अब आप यहाँ पर जो भी कार्य करेंगे हम उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो ऐसे में कई बार वो व्यक्ति अपने मूल व्यवहार से थोड़ा सा उसका बदलाव हो जाता है या थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाता है उसके अंदर वो एक भावना आ जाती है कि मुझे देखा जा रहा है या मुझे परखा जा रहा है तो इस कारण से कई बार वो अपना नेचुरल बिहेवियर जो होता है वो प्रदर्शित नहीं करते तो इसीलिए कई बार मनोवैज्ञानिकों को एक दूसरी पद्धति है ऑब्जर्वेशन की ही वो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कई बार वो इसका भी सहारा लेते हैं और इसमें वो वो जहाँ पर वो व्यवहार एक्चुअल सेटिंग में यानी नेचुरल सेटिंग में जो घटित हो रहा है वहीं पर जा कर के वो उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं खास करके जैसे एथनोग्राफिक स्टडीज़ में वहां पर व्यक्ति खुद शोधकर्ता खुद जाते हैं वो उस तरह की सेटिंग में खुद को सम्मिलित कर लेते हैं और वो बिना बताए बिना लाइमलाइट में आए वो अपना ऑब्जर्वेशन का कार्य जारी रखते हैं और वो इसके तहत जो भी निष्कर्ष निकालते हैं उसको ये माना जाता है कि चूँकि ये नेचुरलिस्टिक सेटिंग में हुआ है यानी कि व्यवहार जिस नेचुरल स्थिति में घटित होता है ये उसी में हो रहा है इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि ये इस, इस इसके द्वारा जो भी हमें फाइंडिंग्स मिली या जो भी हम निष्कर्ष मिले वो काफ़ी हद तक हमारे वो मान्य हैं इसके बाद जो दूसरा विधि जिसका उपयोग मनोविज्ञान में होता है हालांकि आजकल इस विधि का बहुत कम उपयोग होता है परंतु फिर भी ये विधि है केस स्टडीज यानी हम जब किसी एक व्यक्ति का लंबे समय तक अध्ययन करते हैं और बहुत डिटेल में अध्ययन करते हैं तो इस तरह के अध्ययन विधि को हम कहते हैं केस स्टडी और केस स्टडी को सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पिछले सत्र में भी बताया था और वो हैं सिगमंड फ्रायड तो सिगमंड फ्रायड अपने उन्होंने अपने शोध में सबसे ज़्यादा इस विधि का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने बहुत कम पेशेंट्स का केस स्टडी करते हुए अपनी पूरी थ्योरी बनाई थी जो साइको एनालिसिस की उनकी थ्योरी है हालांकि केस स्टडी के कुछ बहुत आलोचनाएं भी हैं जिसमें एक प्रमुख आलोचना यह है कि ये चूंकि इतना छोटा सैंपल होता है और इस छोटे से सैंपल के आधार पे हम एक बड़े पॉपुलेशन के बारे में कोई जनरलाइजेशन जब करते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि हम इस छोटे से सैंपल को ये कैसे मान सकते हैं कि यह पूरी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या उसके सभी गुणों को आत्मसात करता है तो ये एक उसकी एक हम कह सकते हैं कि उसकी एक परेशानी है केस स्टडी की इसके अलावा केस स्टडी में एक और जो समस्या आती है वो है कि जब शोधकर्ता एक व्यक्ति से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और इस कारण से वो उनके संपर्क में आते हैं तो ये बहुत ही आ, ऐसा एक फिनोमिन है कि जब हम किसी व्यक्ति से लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर हमारा कुछ ना कुछ उनसे जुड़ाव हो जाता है चाहे इमोशनल लेवल पे या चाहे एक फेवरिज्म के तौर पे हम कह लें किसी ना किसी स्तर पे एक जुड़ाव उनसे हो जाता है और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी शोधकर्ता की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं इसमें सब्जेक्टिव बायस ओपिनियन इन सब का एक समावेश हो जाता है तो इस कारण से केस स्टडीज़ को जब तक कि ये बहुत अनिवार्य ना हो खास करके क्लिनिकल सेटिंग्स को छोड़ करके इनको थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक इस तरह की जो विधि है इसको थोड़ा सा इससे बचते हैं या यूँ कह लें कि इसको इसको थोड़ा सा वो कम प्रिफर करते हैं और तीसरी जो विधि है जो कि एक बहुत ही फेमस विधि है उसका नाम है सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे और इसमें जो इसका एक बहुत बड़ा गुण है इसमें जनरली जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अपना जो डेटा कलेक्ट करते हैं या जो अपना शोध करते हैं वो इसमें लोगों से उनके बिहेवियर के बारे में उनकी सेल्फ रिपोर्ट लेते हैं यानी वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं खुद के बारे में वो क्या मानते हैं खुद वो अपने व्यवहार के बारे में क्या समझते हैं उसकी वो जानकारी या सूचना इन सर्वेस के माध्यम से वो इकट्ठी करते हैं मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता इस तरह के जो शोध हैं सर्वे उनकी एक जो बहुत जो एक कह सकते हैं एडवांटेज है वो ये है कि इसमें बहुत कम समय में एक बहुत बड़े सैंपल को यानी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हालांकि सर्वे की एक जो जो कह सकते हैं कि उसकी एक कमी है वो ये है कि सर्वे के माध्यम से हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वो स्थापित नहीं कर पाते यानी कि कोई भी व्यवहार यदि हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है इसको हम स्थापित करने में असक्षम होते हैं सर्वे विधि से तो और इसके अलावा भी इसका एक जो ड्रॉबैक है वो कई बार ये होता है कि सर्वे विधि में जिन लोगों को हम अप्रोच करते हैं हमें उनके आधार पर जब हम पॉपुलेशन के बारे में कोई जनरलाइजेशन करते हैं तो ऐसे में हमें यहाँ पर ये भी तय करना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि जो सैम्पल हमने ड्रॉ किया जो जिन लोगों पर हमने शोध किया वो सब पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स से थे वो उनके अंदर भी मौजूद थे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सर्वे विधि में एक एक लिमिटेशन हो जाती है इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण तो विधि है जो मनोवैज्ञानिक अपने शोध मनोवैज्ञानिक जो शोध करता है वो उसका उपयोग करते हैं वो है कोरिलेशनल स्टडी या कोरिलेशनल मेथड यानी सह संबंध हम कोरिलेशनल मेथड के बारे में जो एक उदाहरण की बात कर रहे हैं उसमें हम ये समझना चाहेंगे कि अगर कोई एक एक्टिविटी है ए और एक दूसरी एक्टिविटी है बी तो ए जब घटित होती है तो वो बी को किस तरह से प्रभावित करती है यानी कि ए के होने से बी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो घटती है या बढ़ती है तो इस प्रकार की हम कोरिलेशनल स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं मनोविज्ञान में और कोरिलेशनल स्टडीज से हमें कई बार आ, कुछ बातें तो पता चलती हैं दो वेरिएबल्स को हम उनके बीच के सह संबंध को तो जान पाते हैं परंतु जो इसका एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक कमी है वो ये है कि कोरिलेशनल स्टडीज़ में भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं स्थापित कर पाते यानी हम ये नहीं बता पाते कि ए को क्या प्रभावित करता है और बी के होने का कारण क्या है तो इस तरह के जो कॉजल रिलेशनशिप्स हैं वो हम स्थापित नहीं कर पाते और वो हमें अपने अंतिम यानी कि जो इस सत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण भी हम कह सकते हैं कि विधियों में से एक है एक्सपेरिमेंटल मेथड जो कि साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक इसको अपने सबसे अहम विधि के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं या बताते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड की मदद से हम जो अभी तक जितनी भी विधियां हमने डिस्कस की उनमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टैब्लिश कर पाने में बहुत हद तक सक्षम नहीं थे या हम ये कह सकते हैं कि हम उतनी स्पष्टता से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को खोज पाने में असक्षम थे लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे लिए इसको संभव बनाता है और एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक वेरिएबल को घटाते या बढ़ाते हैं और उसका प्रभाव हम दूसरे वेरिएबल पर देखते हैं और इस विधि में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इसको बाकी विधियों से अलग करती है वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल विधि में हम कंट्रोल की बात करते हैं एक कंट्रोल्ड सेटिंग की बात करते हैं जहाँ पर कि हम जो भी व्यवहार हो रहा है या जो भी वो सेटिंग है उस पर पूर्ण रूप से हमारा नियंत्रण है और जो हमारा वेरिएबल है जिसको हम घटा बढ़ा रहे हैं उसका क्या प्रभाव दूसरे वेरिएबल पर पड़ रहा है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ जो दूसरे पॉसिबल वेरिएबल्स हैं जिनका असर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ सकता है उसको भी हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और इस कंट्रोल की वजह से हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं या कह पाते हैं कि जो भी प्रभाव आ रहा है या जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे मैनिपुलेशन की वजह से यानी जो हमने खुद अपनी जानकारी में जो घटाया या बढ़ाया है एक वेरिएबल की वैल्यू को उसके कारण से हमें ये प्रभाव देखने को मिल रहा है तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का ये सबसे बड़ा गुण है जिसकी वजह से हम एक्सपेरिमेंटेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्थापित कर पाते हैं और इस वजह से एक्सपेरिमेंटेशन मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि मनोविज्ञान में एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं कुछ कमियाँ भी हैं जो कि उसको कुछ हद तक लिमिट करती हैं क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मनोविज्ञान में हम जब भी इस प्रकार से कोई भी शोध करने जाते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं क्योंकि हम हर प्रकार का शोध कंडक्ट नहीं कर सकते और उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं उसकी कुछ एथिकल लिमिटेशंस होती हैं किस तरह के शोध हम कर सकते हैं किस तरह के शोध हम नहीं कर सकते और उन पर एक हम कह सकते हैं कि एक एक अंकुश होता है या एक प्रकार का हमारा उसका एक आ, उस पर रोक होती है और एक्सपेरिमेंटेशन में चूँकि हमारे पार्टिसिपेंट ह्यूमंस होते हैं तो उनके ऊपर हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके क्या प्रभाव होंगे उसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है और बहुत सारी ऐसी शोध हैं जिनको कि हम नहीं कर सकते क्योंकि उनके बहुत सारे एथिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जिसका उत्तर दिए बिना या जिसको स्थापित किए बिना हम इस प्रकार के शोध में आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इस तरह के शोध जो होते हैं उसमें हमारे जो प्रतिभागी हैं उनको हम किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का कोई भी कष्ट या किसी भी तरह की कोई समस्या या दिक्कत उनको नहीं दे सकते और इस कारण से हमारे जो एक्सपेरिमेंटल शोध हैं उनकी एक लिमिट होती है और इसीलिए बहुत सारे अगर मैं उदाहरण एक आपको यहाँ पर दूँ तो एक छोटे बच्चे के ऊपर की गई स्टडी की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं हम उसके साथ बहुत सारे ऐसे शोध नहीं कर सकते जो कि हम अन्य परिस्थितियों में जैसे एनिमल स्टडीज़ में हम जो चीज़ें कर सकते हैं वो एक बच्चे के साथ हम नहीं कर सकते उसकी हमें आज्ञा नहीं होती तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल विधि का मनोविज्ञान में एक लिमिटेशन हो जाता है जहाँ पर कि हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के शोध हम कर सकते हैं और इस प्रकार के शोध हम नहीं कर सकते तो इसका एक दायरा है जिसको हमें हमेशा मानना पड़ता है मनोवैज्ञानिक शोध में इसके साथ ही साथ एक और बिंदु है जो एक्सपेरिमेंटल मेथड के साथ हमें समझना होगा और वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड यूजुअली कंट्रोल सेटिंग में किए जाते हैं यानी एक बहुत ही ऐसी स्थिति में जहां पर हम बाकी सभी जो जो उस पर प्रभाव डालने वाले हो सकते हैं कारक उनको हम कंट्रोल करते हैं मगर कई बार एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में जो उसके द्वारा जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसको ये उस पर चिन्ह ज़रूर लगता है कि जब ये नेचुरल सेटिंग से अलग हम जिन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं क्या वो नेचुरल सेटिंग में भी उसी प्रकार से उसका उसका प्रभाव होगा या ये उसी तरीके से कार्य करेंगी या जो फाइंडिंग हमें लैब में सेटिंग में मिली है एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में मिली है कंट्रोल्ड सेटिंग में मिली है वैसी ही फाइंडिंग क्या हमें नॉर्मल स्थिति में भी मिलेगी और ठीक उसी तरीके से हम यहाँ की फाइंडिंग को जनरलाइज करके नॉर्मल सेटिंग्स में या जहाँ पर मनुष्य वास्तविक व्यवहार कर रहा है या जहाँ पर वो असल में कार्य करता है क्या वहाँ पर हम इसको हुबहू उसी तरीके से वहाँ लागू कर सकते हैं जनरलाइज कर सकते हैं तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है इस तरह की शोध विधि में जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि हमारी जो हमने आज जो चर्चाएँ की जिसमें कि हमने पहले ये समझने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो किस तरीके से वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक गुण को किस तरह से मनोविज्ञान में आत्मसात किया जाता है और किस तरह से जो सूडो साइंस है या जो एक हम कह सकते हैं कि नॉन साइकोलॉजी हम उसको कह सकते हैं वो किस प्रकार से हमारी जो मेन साइकोलॉजी है जो साइंटिफिक स्टडी है उससे वो किस प्रकार से अलग है और साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा की कि साइकोलॉजी और जो कॉमन सेंस नॉलेज है या जो कॉमन सेंस जो बिलीव्स हैं उसमें किस प्रकार से अंतर है और कैसे हमें साइकोलॉजी हमें एक वैज्ञानिक आधार देता है हमारी समझ को मानव व्यवहार की समझ का तो इसके साथ साथ हमने अंत में ये भी चर्चाएं की कि जो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं महत्वपूर्ण विधियां जिसमें कि ऑब्जर्वेशन है केस स्टडी है सर्वे मेथड है कोरिलेशनल मेथड है और साथ में एक्सपेरिमेंटल मेथड है इस पर भी हमने चर्चा की तो ऐसे में हम आज इन बातों को समझ पाए और प्रिय छात्रों मैं अपने अगले सत्र में आपसे लेक्चर थ्री में मैं बात करूंगा द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की यानी मानव व्यवहार के कौन कौन से आधार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आज के इस सत्र के लिए हाँ, आज आज के इस सत्र को हम यहाँ समाप्त करते हैं धन्यवाद